में आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे स्किन पे ना टैन पड़ जाता है। टैन का मतलब काला काला देखेंगे, दाग धब्बा, काला काला जैसे झाइया नहीं होती, उसी से रिलेटेड होता है थोड़ा सा। तो छोटा 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 पैचेस जैसा पड़ जाता है स्किन पे, और धीरे धीरे झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ना अगर धूप में निकलने से आधे घंटे पहले कोई भी स्किन सनस्क्रीन आपको यूज़ करना है, चाहे लोटस का हो, चाहे लक्मे का हो, चाहे किसी भी कंपनी का जो आपको सूट करता हो। अगर आपको ऑयली स्किन है तो आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना है, और अगर आपका ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना है। ये दो चीज़ का ध्यान रखेंगे ना तो आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने में ना दिक्कत होगा, और ना ही आप खरीदने में कोई दिक्कत होगा। तो आप दो चीज़ लीजिए, अगर आपका ऑयली है तो जेल बेस, और अगर ड्राई है तो क्रीम बेस लीजिए, और सनस्क्रीन यूज कीजिए। काफ़ी अच्छा उसका हमारे फेस पे जो है ग्लो देता है सनस्क्रीन लगाने के बाद। धीरे धीरे हमारा फेस ना हाइड्रेट होता है और धीरे धीरे ग्लो देना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने स्किन पे सनस्क्रीन जरूर यूज़ कीजिए, और बहुत अच्छा आपके स्किन पे ना ग्लो देगा। जितनी सारा टैन है वो धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। इकट्ठे कोई चीज़ नहीं, आपके स्किन पे जितना भी प्रोडक्ट है, जितना मैं प्रोडक्ट डाली हूँ हेयर से रिलेटेड या स्किन से, तुरंत रिजल्ट कोई भी चीज़ नहीं दिखाता है आपके स्किन पे या हेयर पे हो। आपको 15 से 20 दिन यूज़ करना है, देन आपको रिजल्ट दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सनस्क्रीन ना 15 दिन जैसे ही यूज़ करेंगे ना, इतना अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, लोग सामने से आपको कहेंगे कि आपका स्किन कितना अच्छा ग्लो कर रहा है, कितना अच्छा हो गया है, कितना दाने थे सब चले गए हैं धीरे धीरे, सब प्रॉब्लम। कभी कभी हम ऐसा क्रीम या फिर ऐसा शैम्पू या फिर ऐसे प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं जिससे हमारे हेयर पे, हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे हमारे बाल भी टूटने लगते हैं, हमारे झाइयाँ भी पड़ने लगती हैं, झुर्रियाँ भी आने लगती हैं। समय से पहले झाइयाँ झुर्रियाँ बहुत लोग को होता है, ये प्रॉब्लम बहुत लोग झेल चुके हैं। तो आप ना अपना जो भी मतलब सनस्क्रीन यूज कीजिए, अच्छा से अच्छा क्रीम यूज़ कीजिए, ऑयल आप बहुत अच्छा यूज़ कीजिए। ऑयल अगर अच्छा यूज़ करेंगे तो आपका हेयर, मैं तो कहती हूँ कि कोकोनट से अच्छा कोई ऑयल नहीं है आपके हेयर के लिए, वो यूज़ कीजिए तो काफ़ी अच्छा आपके हेयर पे रिजल्ट देगा। हल्का सा कोकोनट लीजिए, वही अपने फेस पे मसाज कर लीजिए 10 से 15 मिनट, आपका वो प्रॉब्लम धीरे धीरे, जो जिनको भी झाइयाँ हैं वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कोकोनट हल्का सा, आप अगर ऑयल यूज़ करते हैं, मैं उसको भी बताऊंगी कि आपको ऑयल कैसे यूज़ करना चाहिए, रेगुलर या कैसे नहीं यूज़ कर। लोग ऑयल लेंगे और बस उसको यूज़ करेंगे, अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है। तो काफ़ी अच्छा हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, जब हम अच्छा प्रोडक्ट चूज़ करेंगे ना तब वो जाके हमें रिजल्ट देता है, और अगर हम खराब प्रोडक्ट चूज़ किए ना तो वो हमको रिजल्ट नहीं देता है। तो आप अच्छा सा ऑयल यूज़ कीजिए, कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी क्रीम हो अच्छे से यूज़ कीजिए। उसके बाद आप ना अच्छे से, जब ये सब यूज़ करने के बाद ना आप अपने देखेंगे स्किन 15 से 1 महीने बाद आपका स्किन एकदम ग्लो करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, और काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। तो स्किन से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप जाके मेरा फुल वीडियो वॉच कीजिए, कोई भी वीडियो देखिए। मेरा एक वीडियो बहुत अच्छा खासा उस पर व्यूज़ आया है, वो है ब्राइडल ब्राइडनिंग क्रीम, फेस क्रीम। तो वो ब्राइडल के लिए और लोगों के लिए बहुत अच्छा क्रीम है, तो वो आप जरूर यूज़ कीजिए अपने फेस पे, काफ़ी अच्छा वो क्रीम है, वो कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो ब्राइडल हो या फिर कोई लड़की हो या फिर कोई वुमेन हो, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो आप हाउसवाइफ कोई भी यूज़ कर सकता है उस क्रीम को, आप जाइए उस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और अगर मेरा ये पसंद आया चैनल तो ब्यूटी बाय मधु, तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए प्लीज़। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे भी, और मेरा मन भी लगेगा वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप लोग का मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगी कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय।